Hello, good morning students. How are you all? Hope all are fine, fit and healthy. Student, today in English Tulip, we will study lesson number 5 at the school. In the last period, I taught you this lesson. I explained you and we have done the fill in the blanks and true or false exercise and other exercise also. Today, we will do the question answers exercise. जो आपकी बुक में तुलिप का पेज नंबर 34 पर क्वेश्चन नंबर 3 पर ये क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, जो आपको मैं नोटबुक में बताती हूँ कैसे लिखने हैं और समझाती भी हूँ. ओके स्टूडेंट, लेसन नंबर 5 एट द स्कूल, इंग्लिश तुलिप. सी, आई हैव रिटन हियर द क्वेश्चन आंसर्स. Answer the following question. One number question. How does Nita go to school? Nita school mein kaise jaati hai? Answer is Nita goes to school with her friend. Nita apne friend ke saath school mein jaati hai. Question number 2. What does Nita keep on her desk? Nita apne desk par kya rakhti hai? Answer is Nita keeps her bag on the desk. Nita apna bag rakhti hai desk. Question number 3. What does Nita keep inside the cupboard? Nita cupboard ke andar kya rakhti hai? Answer 3. Nita keeps a lunch box in a cupboard. Okay. Question number 4. Why is Tuesday Nita's favorite day of the week? Saptah ka Tuesday Mangalwar uska favorite day kyun hota hai? Answer is because every Tuesday is art and craft class. Because क्योंकि हर मंगलवार को art और craft का class होता है, जो उसका पसंदीदा period है. Question number 5. What does Nita do when class get over? जब class खत्म हो जाता है तब Nita क्या करती है? Answer is Nita packs her bag and say bye to her teacher and her classmate. Okay student, यहाँ पर आपकी 5 question answers complete होते हैं. Okay, we will meet you in the next period. पर teacher इसके पहले एक कहना चाहती है कि देखो इस तरह की 4 line में आपको लिखना होता है और देखो हर 4 लाइन को बराबर टच करके लिखना है. कैपिटल आता है तो ऊपर की रेड लाइन को थर्ड लाइन तक, नीचे की रेड लाइन को नहीं टच होता है. और जो सेकंड लेटर्स यानी स्मॉल लेटर्स को लिखना होता है तो बराबर ये 2 लेटर्स में लिखा होता है. देखा आपने, अगर सेकंड लेटर्स में लिखता है तो डी ऊपर की लाइन में देखो यहाँ पर टच हो रहा है, एन कैपिटल है तो देखो ये ऊपर की रेड लाइन को टच हो रहा है. इस तरह से हर एक लाइन को टच करके बराबर आपको इस तरह से 4 लाइन की नोटबुक में आपको एक्सरसाइज करनी होती है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से होगी और आप अच्छी तरह से नोटबुक में भी लिख सकोगे. ओके, हर एक एक्सरसाइज के लिए आपने नया पेज यूज़ किया तो अभी अच्छा रहेगा, ताकि आप नए आगे की क्लास में भी हर एक एक्सरसाइज को कैसे लिखना है वो भी समझ सकेंगे. ओके स्टूडेंट, और नया लेसन नए पेज पर भी शुरू करना है, ये भी आपको सीखना है. और देखो एक्सरसाइज का हेडिंग इस तरह से स्टार लगा के करेंगे ना तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा. और पता है ना, पहले दिन ही मैंने समझाया था मार्जिन में हमको किस तरह से लिखना है, और अपनी हैंडराइटिंग तो बिल्कुल गुड रखनी है. ओके स्टूडेंट, हियर आई हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट पीरियड. टिल देन गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ.